खुशी है। कैसे हैं आप लोग? अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। यार चुचिंदर भाई, चुचिंदर सब्सक्राइब करो, चुचिंदर का भाई चैनल है, सब्सक्राइब करो। बोल गया तो देखिए आज क्यारा के पापा हो गए हैं पागल। उनको आ गया जोगिंदर, सारा भाई जोगिंदर उसकी याद। तो आज का डे काफी अच्छा है, धूप निकला हुआ है। ये त्रैच को देखिए, त्रैच देखो, ये देखो त्रैच क्या कर रहे हो आज बाबू ने। त्रैच नहाने जा रहा है और क्या रहता, देखो क्या रहता, देखिए कैसे है आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए। ये मलयालम लैंग्वेज थी, जिसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करे, कमेंट में बताऊंगी किसने क्या बोला। तो अभी हो रहा है नाश्ता, बनाया था चूरा और मटर, हमारे यूपी में फेमस है। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं क्यारा को त्रैक्ष को नहलाने। तो मेरे हर ब्लॉग में बने रहिए, नहा के रेडी हो गई है, अब बाबू मेरा नहाने जा रहा है। ये त्रैक्ष नहाने जा रहे हैं, त्रैक्ष देखो नहाने जा रहा है, नहा कर आते हैं। क्यों क्यों नहाने नहीं जाना? दीदी को देख के खुश। बाबू तो त्रैक्ष ने नहा लिया है, अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ क्रीम। जल्दी जल्दी पहन रहा है ड्रेस क्योंकि ठंड है बहुत ज्यादा। और ये नहाया है एक हफ्ते बाद, है ना बाबू? ये देखो हो गया है रेडी, अब लगी है इसे भूख। बाबू को भूख लगी है, भूख को लगी है, देखो रो रहा है, अब इसे लग रही है भूख। इसे दूध पिला दूं। यह लगभग सारा घर का काम और सुबह से मैं ऐसे ही नाइटी में घूम रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ खुद से रेडी होने चीज़ें बनाने के लिए। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि आप लोगों की ही दुआ से हम यूट्यूबर्स आगे बढ़ेंगे। गाइस सुबह से घर का काम करते करते मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, खाना बना दिया, अब दोपहर का भी खाना बना रही हूँ। और आज है सकट का व्रत, तो मेरी मम्मी यानी मेरी मायके मेरी मम्मी ने फास्ट रखा है और मेरे ससुराल में नहीं होता क्योंकि कोई उस दिन डेथ कर गया था, तो मैंने नहीं रखा है। तो मम्मी को मकर संक्रांति में संक्रांत लेके आना था। एक मिनट फोन डाल देती हूँ। मम्मी को संक्रांत लेके आना था पर बट मम्मी नहीं आ पाई क्योंकि मम्मी की भी तबीयत खराब थी। और मम्मी आएंगी सैटरडे या संडे में आएंगी। दिल्ली में सैटरडे संडे लॉकडाउन लगा है, तो देखो मम्मी कब आती हैं। मम्मी पता कर रही हैं कि आने जाने दे रही हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमारे ट्रैक छूट गए हैं, देखो पहले चेक कर लो, सुसु तो नहीं किया इन्होंने। और ये देखो रेडी हुए, सो गया था, नींद भी पूरी हो गई है ना। से हाय डिचक 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 डिची। तो उन सभी महिलाओं को सकट की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सकट का व्रत तिल के लड्डू के बनते हैं, तिल के लड्डू के बनते हैं। सकट का व्रत जो होता है बेटों के लिए रखा जाता है, इनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और इस दिन औरतें शाम को चांद देखकर तिल के लड्डू खाती हैं, और तिल के लड्डू और शकरकंदी दूध के साथ खाती हैं। तो ये बहुत अच्छा व्रत होता है, मैं नहीं रख पाई, मेरा बहुत मन था। मम्मी ने पता किया गाँव में फोन करके, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि कोई खत्म हो गया था हमारे, तो हमारे ये पास नहीं रखा जाता है। तो गाइस अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? ठंड बहुत है तो साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, तो मैंने आज साड़ी पहन ली है क्योंकि आज फास्ट है लोगों का, तो मैंने कहा मैं ही तैयार हो जाती हूँ। देखो इनकी आईज में दिख रही है, देखो ऐसे मेरा बेटा कैसा लग रहा है, त्रैक्ष कैसा लग रहा है। शाम के नाश्ते में बना रही हूँ सैंडविच, शाम के बज रहे हैं 6, आओ बना रही हूँ सैंडविच। ये देखिए इसके अंदर मैंने डाला है मेयोनीज और चीज़ सॉस प्लस
अंदर डाला है, फिलिंग में डाला है मैंने इसके अंदर टमाटर प्याज, और ये मेरा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो जिसको खाना है वो आ जाइए। तो कल शाम को या मॉर्निंग में मम्मी मेरी आने वाली है, वो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है, तो आफ्टर शादी आफ्टर मैरिज माँ मकर संक्रांति, तो मम्मी मेरी का संक्रांति अगर आएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आ पाई थी। तो कल सैटरडे है तो मम्मी आएगी तो मैं आपको मम्मी से मिलाऊंगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।